सोनीपत के हरसाना रेलवे स्टेशन पर दो युवकों की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। जीआरपी पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक सचखंड एक्सप्रेस ट्रेन में आग की झूठी अफवाह फैल गई। आनन फानन में किसी ने ट्रेन की चेन पुलिंग कर दी। ट्रेन में सवार कुछ लोग नीचे उतरने लगे। इसी दौरान दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई। जीआरपी में तैनात एएसआई अजय ने बताया कि हरसाना के खेतों में कहीं आग लगी हुई थी। किसी ने आग लगने का जिक्र किया। ट्रेन में सवार लोगों ने सोचा कि ट्रेन में आग लगने की बात हो रही है। लोग डर गए, जबकि यह सच नहीं था, केवल अफवाह थी। पुलिस ने बताया कि एक युवक की पहचान मयंक निवासी पुंडरी के रूप में हुई, लेकिन अभी दूसरे मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हुई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। 9 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि रेलवे स्टेशन हरसाना के पास एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई रेलवे दुर्घटना, जो उसको शव उठाने गए। कुछ देर के बाद दूसरा शव भी दिखाई दिया, जो तीसरे शव की कार्रवाई के लिए आगे को बुलाया गया और दोनों शवों को उठा गया और शव ग्रह पाया गया, जिसकी एक की शनाख्त मैं के राजेश वासी कुंडरी के रूप में हुई है, और जो उसके साथी तीन चार साथी और थे, उन्होंने बताया भाई कि रेल में जो है आग लगने की अफवाह फैली थी, जिसके कारण लोग चलती गाड़ी से जान बचाने के लिए गुजरने लगे और ये दोनों व्यक्ति जो है दूसरी साइड घूम गए और पंद्रह तरफ से ट्रेन आ गया, उससे टकरा उनकी मौत नहीं। कोई यहीं सोनीपत साणे के पास किसी खेत वेत में कोई आग लग रही, वो उसकी वजह से उन्होंने